Hello, assalamu alaikum, and this is Kiran, and that's going live from Melbourne. और आप लोग क्या सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे और इस एपिडेमिक के टाइम को बहुत अच्छा यूज़ कर रहे होंगे. सो सेल्फ आइसोलेशन में कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्वारंटीन में हैं, लेकिन जो जहाँ है उसको ये टाइम भरपूर तरीके से गुजारना है. इसलिए कि देखिए, हम आप एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं. हम आप बहुत सारे मसाइल में हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फेयर में हैं, बहुत सारे चीज़ों से अपने आप को और अपने बच्चों को महफूज कर रहे हैं. तो दैट इज़ हाउ द एडमिन ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली आस्क्ड मी टू कम लाइव एंड हैव सम गुड टू एंड आस्क मी टू जस्ट शेयर सम गुड वर्ड्स विद यू. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू डिस्कस. अगर मैं कोई अच्छी बात आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई एम वेरी मच प्रिविलेज फॉर इट. लेकिन देखें, जैसे मेरा ये हमेशा से ये रहा है कि हमें अपनी चीज़ों को बहुत प्रोडक्टिव रखना है. तो जहाँ ये पैंडमिक हमारे लिए आया है, वो अपने साथ बहुत सारे लेसन्स भी लेकर आया है. लेसन्स इस हवाले से आए हैं कि देखिए, आज कल मेरे ख़्याल से बड़ा आदमी, बड़े से बड़े प्रोफाइल रखने वाले आदमी के पास भी इस क्राइसिस में बहुत सारा टाइम है. इसलिए कि हमारी लाइफ्स नॉर्मल नहीं है, हमारे बिजनेसेस नॉर्मल नहीं चल रहे हैं, हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ नॉर्मल नहीं हैं. तो क्योंकि मैं इन चीज़ों को इस तरीक़े से एनालाइज कर रही हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. कहीं ना कहीं हम सब इससे अफेक्ट हो रहे हैं, बल्कि मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया के लोग इस, ये क्या ऐसा हो सकता है या कभी हमने ये सोचा था कि पूरी दुनिया सिर्फ एक चीज़ की वजह से उस पर लॉकडाउन हो सकता है. एक ऐसा एनिमी, हमारा दुश्मन जो कि इनविजिबल है और हमें नज़र नहीं आ रहा, और जो है वो जानलेवा दुश्मन है, वो हमारी जान ले सकता है. तो उससे हमें अपने आप को महफूज किस तरह से रखना है. लेकिन महफूज रखने के लिए तो देखिए, हमें अपनी एक रिस्पॉन्सिबल पार्ट प्ले करना है कि जो हमारी गवर्नमेंट्स हमसे पूछ रही है, हमसे कह रही है, वो हमें करना है. लेकिन वॉट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ टू हाउ टू कीप योर स्पिरिट्स हाई ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम. इट्स अ लॉकडाउन गोइंग ऑन एंड इट इज़ वेरी वेरी सीरियस. ओके, तो हम इसको जो है वो मजाक नहीं ले सकते, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू चैलेंज किड्स आवर ओन लाइफ्स. तो इस चीज़ को बहुत अच्छा, मज़े की बात ये कि हम इस चीज़ को जल्द अज़ जल्द एक्सेप्ट कर लें कि ये एक हमारे लिए चैलेंज है और चैलेंज का मुकाबला किया जाए. जो लोग चैलेंजेस से भागते हैं और चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते, चैलेंज तो चैलेंज है, वो सबके लिए है. तो जो चैलेंज को फेस नहीं करते, चैलेंज उन्हें रोनता हुआ आगे चला जाता है. तो इसलिए चैलेंज है, हमें इससे बहुत मजबूत तरीके से फाइट आउट करना है. और सिर्फ फाइट आउट ये नहीं करना कि हम घर में बैठें और हम बस घर में बैठें और कुछ भी ना करें, ऐसे तो नहीं होता. इसलिए कि इस चैलेंज को बहुत अच्छे तरीके से हमें यूज़ करना है. मेरे ख्याल से जहाँ चीज़ें परेशानियाँ लेकर आई हैं, वहाँ बहुत सारी ये चीज़ हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आई हैं. ये दुनिया का उसूल है कि हर बुरा वक्त हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, अपॉर्चुनिटी से भरपूर होता है. और आप इसकी मिसाल इस तरीक़े से ले लें कि देखें, जिन बच्चों को बचपन में तमाम आसाइशें मिल जाती हैं, उनकी स्किल्स कभी पॉलिश ही नहीं होती. लेकिन जो बच्चे परेशानी में और बहुत महदूद वसाइल में गुजारा करते हैं, वो एक कामयाब इंसान बनते हैं. इसलिए कि उनकी इस मुश्किल वक्त में वो तमाम स्किल्स पॉलिश हो जाती हैं. और ये एक बहुत मशहूर सेइंग है कि मुश्किल काम हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आता है, इसलिए कि वो उसे हल करने की सलाहियत रखते हैं. अच्छा जी, तो सेल्फ आइसोलेशन डेज चल रहे हैं और हम ऐसे तो किसी से रابطे में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के तौर पे और फ़ोन से और व्हाट्सएप से और अपने मैसेंजर से और जो जो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, उनसे हम एक दूसरे से रابطे में हैं. तो और उन तमाम लोगों से जिनसे हमने बहुत अरसे से बात नहीं की है, उन्हें हम ढूंढ ढूंढ के कॉल कर रहे हैं कि उनकी खैरियत पूछ रहे हैं.
तो इसी तरह मैं मेरा दिन भी 2-3 दिन से ऐसा गुजरा कि मैंने अपने पुराने दोस्तों को याद किया। और जब मैंने पुराने दोस्तों को याद किया और बात की कि आपका दिन कैसे चल रहे हैं, कैसा लॉकडाउन चल रहा है और क्या क्या क्या, तो दो जवाब मुझे हमेशा मिलते थे। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? बहुत बोरियत हो रही है। क्या हो रहा है? आई मीन, ये कैसे हो सकता है कि कुछ नहीं हो रहा आपकी लाइफ में? ये कैसे हो रहा है कि आप अपना पूरा दिन जाया करें? मुझे बहुत हैरत होती है कि इन तमाम बातों में असल बात ये है कि हमें अपने दिन को कितना फ्रूटफुल बनाना है। हम तमाम, मेरे ख्याल से जो लोग मुझे सुन रहे होंगे और जो कि बाद में सुनेंगे, उस चीज़ को देखिए कि हम एक हाउसवाइफ हैं, हम एक मदर्स हैं, या हाउसवाइफ नहीं है या मदर्स नहीं है, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। हम एक एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर सकते हैं। और कि कैसे हो सकता है कि इंसान अपना पूरा दिन ज़ाया कर दे और कुछ भी ना करे? और जो कि हम लोग आजकल घर में ही हैं और हम बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने 5 चीज़ें एनालाइज की हैं जो कि इंसान कर सकता है। और 5 चीज़ें ये हैं कि मेरे ख्याल से हम उससे इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से करना चाहिए। बहरहाल, आपकी अपनी राय भी हो सकती है और आप मज़ीद पॉइंट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैंने ये सोचा कि इन तमाम चीज़ों में हम कितना क्या क्या कर सकते हैं, कितना प्रोडक्टिव इस पॉइंट को बना सकते हैं, क्योंकि देखिए ये अनसर्टेनिटी है। कब ये लॉकडाउन ओवर होगा, कब सिचुएशन नॉर्मल होगी, वी डोंट नो। हम कब हमारे बच्चों के स्कूल्स खुलेंगे, कब हमारे ऑफिसेस खुलेंगे, वी डोंट नो। लेकिन ये छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियां नॉर्मल छुट्टियां नहीं है। ईद की छुट्टियां होती हैं, हमें पता होता है, एक हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद वो छुट्टियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी या हमारी नॉर्मल ज़िंदगी आगाज़ हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है, ये तमाम अनसर्टेनिटीज़ हैं और वी नेवर नो व्हेन इज़ गोइंग टू बी एंड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन छुट्टियों में 5 काम करें। और 5 काम बड़े जो है वो ज़रूरी भी हैं और मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं भी हैं। तो मेरे ख्याल से जो जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम एंड ऑन बोर्ड। और हम जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हाउ टू कीप एंड हाउ टू राइज योर स्पिरिट्स, हाउ टू कीप अप योर स्पिरिट्स ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन और सेल्फ आइसोलेशन डेज। तो जी, जैसे मैं अभी तक कह रही हूँ, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्ट प्ले करें अपनी कम्युनिटी का, अपनी सोसाइटी में का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करें। और दूसरी बात ये कि जो 5 बातें मैंने कल अपनी डायरी में लिखी उन वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ये कि इस लॉकडाउन में हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड्स के साथ, या जिनके पास, जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनके साथ ये बॉन्डिंग्स नहीं है, अपनी फैमिली के साथ एक बॉन्ड बनाएं, बॉन्डिंग करें। मेरे ख्याल से ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नॉर्मली वी आर सो बिजी इन आर डेली लाइफ, यू डोंट हैव टाइम व्हेन समबडी इज़ वर्किंग 9 to 5 एंड ऑल दैट। हम खो जाते हैं उन तमाम जो है ना, उन तमाम ज़िंदगी के शोर गोर में हम खो गए, कहीं शोरगुल में हम खो गए। और हमने वो जो हमारा रिश्ता था ना, उसको मजबूत करने का बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। अपने बच्चों को टाइम दीजिए और अपने बच्चों से कम्युनिकेशन रखिए। कम्युनिकेशन इस तरह से, मैं इस पॉइंट को इस तरह से कहूँगी कि अपनी फैमिली को टाइम दीजिए और खसूसा अपने बच्चों को टाइम दीजिए, इसलिए कि अपने बच्चों से बातचीत कीजिए। जो साइकोलॉजिकल फेयर आपके ऊपर है, उसी साइकोलॉजिकल फेयर से आपके बच्चे भी गुजर रहे हैं। हो सकता है वो उस चीज़ को फील नहीं कर रहे हो सकता है वो चीज़ आपसे शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ आपको गुजारनी है उनके साथ, एक नॉर्मली जिस तरह से आप उनको जो है वो मीडिएट कर सकते हैं, आपको उनको करना है। बच्चों से बात कीजिए, राबता कीजिए। ये नहीं कि अब मैं स्क्रीन टाइम मिनिमाइज करें उनका। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं जो कि मेरे पेज पे और मेरे यूट्यूब पेजेस पे मैं मुस्तकिल अपना, आजकल जो मेरा किड्स आवर चल रहा है, मैं अपने बच्चों के साथ जो एक्टिविटी कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें और ये करना, लर्निंग भी करवाएं, लेकिन लेट सो मेनी मोर एक्टिविटीज़ यू कुड डू दैट एक्चुअली आई एम पोस्टिंग ऑन माई पेज दीज डेज, जो कि लिंक में है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
उन तमाम एक्टिविटीज़ कराने का मकसद ये नहीं होता कि आई हैव टू जस्ट इट्स ऑल अबाउट टू मोटिवेट यू गाइज, मोटिवेट माई सेल्फ टू कीप गोइंग, मोटिवेट अदर पेरेंट्स टू कीप ऑन द ट्रैक. क्योंकि देखें, आम मेजॉरिटी हम ये कर रहे होते हैं, बच्चों को टीवी लगवा दिया, बच्चों को जो है वो स्क्रीन टाइम दे दिया. और मेरे ख्याल से ये सेशंस में हम मेरे ख्याल से अगले सेशन पे बात करेंगे कि बच्चों की क्या फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ होती हैं. लेकिन बच्चों को अपने साथ बैठाएं, उनसे बात करें, उनके दिल का हाल पूछें, उनको अपने परेशानियां बताएं, उनसे उनकी परेशानियां पूछें. ये बहुत अच्छा कॉल है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मौला अली का कॉल है कि 7 साल तक बच्चे को बादशाह बनाओ, यानी उसको जो दिल चाहे उसका करने दो, और फिर 7 साल से 14 साल तक उसे अपना वज़ीर बनाओ, यानी उससे वज़ीर बनाओ, यानी मशवरे लो उससे, और इस तरीके से उससे यानी उसको उसको मीडिएट करो, और फिर उसके बाद उसे अपना ग़ुलाम बना लो. ग़ुलाम बनाने से ये मतलब नहीं कि उसको कोई उससे काम करवाना शुरू कर दो, लेकिन उसको एक ट्रेनिंग, अब उसने आपने इसकी एक ट्रेनिंग कर दी है, नाउ इट्स टाइम टू प्रूव योर सेल्फ. इससे इस तरीके से है. बहरहाल बहुत हिकमत होती है इन तमाम बातों से. तो मैंने पहला पॉइंट ये रखा कि अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने हस्बैंड्स को टाइम दें, जो कि हम बॉन्ड एक्चुअली जो भी आपके रिश्ते आपके इर्द गिर्द हैं उसको, उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है ये. अच्छा जी, और दूसरी बात जो कि मैंने लिखी वो ये है कि इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर अ सेल्फ एनालिसिस, कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या आपने अपने गोल्स वो पाए जो आपको करने थे, क्या आपने उन तमाम चीज़ों को अक्वायर किया कि जो आपकी ज़िंदगी का मकसद था, क्या आप अब एटलीस्ट हम ये सोचें कि हमने ज़िंदगी में क्या किया, हमें जो करना था क्या हम वो कर पाए, क्या हमारे ज़िंदगी के जो गोल्स थे. ज़रूरी नहीं कि आइडियली सबकी एक दूसरे से, ज़रूरी नहीं होता कि हर एक की लाइफ के वही सर्कमस्टांसेस हों कि मैंने अपनी ज़िंदगी के गोल्स हासिल कर लिए, ऐसा आइडियली नहीं होता, लेकिन हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट. और कोशिश भी नहीं कर सकते, कम अज़ कम अपने अंदर वो उम्मीद ज़रूर जागती रहनी चाहिए कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना था, हमें हम किसी मकसद से आए थे. ज़रूरी नहीं कि मेरा मकसद और आपकी ज़िंदगी का मकसद सेम हो सकता है आपकी ज़िंदगी का मकसद ये हो कि मैं अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर लूँ और मैं एक बेस्ट मदर बन जाऊँ. आपकी ज़िंदगी का गोल ये भी हो सकता है, मेरी ज़िंदगी का गोल हो सकता है ये हो कि मुझे अपनी पढ़ाई करना है, मुझे फ़र्दर स्टडीज़ करना है, ये किसी और की ज़िंदगी का ये गोल हो सकता है कि उसे एक सेट टारगेट करना है या कुछ बिजनेस करना है या व्हाटएवर. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि इसमें एक कामयाब औरत वही है कि जो एक बहुत आइडियली बहुत कामयाब बिजनेस वूमेन हो, ऐसा नहीं हो सकता. मेरी ज़िंदगी के गोल आपकी ज़िंदगी के गोल से बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं और होने भी चाहिए, इसलिए कि हम दो मुख्तलिफ लोग हैं. तो ये एक सेल्फ एनालिसिस का टाइम है, सोचिए कि हमने क्या किया, हमने क्या करने आए थे और हमने क्या कर दिया. ज़िंदगी बहुत कीमती है, एक एक दिन बहुत कीमती है, हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है. देखिए, अपनी ज़िंदगी में आए कभी हमारे साथ हमारे सर्कमस्टांसेस हमारे फेवर में होते हैं, कभी नहीं होते हैं, लेकिन हमें अपनी स्पिरिट ज़रूर हाई रखनी चाहिए, हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, हमें मकसद ज़रूर रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि हम कुछ करना है. इसी तरह जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड मैंने रखा कि अपनी ज़िंदगी में जो आजकल है वो एक रूटीन बनाइए. ये नहीं कि अब अगर छुट्टियाँ हो गई हैं तो बस अब सो रहे हैं और ये कर रहे हैं, हमेशा जल्दी उठने की आदत बनाइए, रूटीन रखें अपनी ज़िंदगी में. जो लोग अर्ली राइजर्स होते हैं वो कामयाब होते हैं, इसलिए कि जो सुबह की नींद है ना वो इरादों को कमज़ोर बना देती है. ये इतना खूबसूरत कॉल है क्योंकि मुझे हमेशा याद रहता है, कभी कभी मैं भी देर से उठ रही होती हूँ आप, लेकिन जब आप जल्दी उठने की आदत डालते हैं, देखें आपकी हर चीज़ प्लान्ड होती है, हर आपको अच्छा लग रहा होता है, आपका हर काम गुजर रहा होता है. लेकिन कहने का मकसद ये कि अपने दिन को प्लान्ड करें, रूटीन बनाएं कि मुझे इस टाइम से इस टाइम ये करना है, इस टाइम से इस टाइम ये करना है, तो उसके अंदर आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा. ये नहीं कि हमें पूरा दिन जो है वो रिमोट हाथ में लेके टीवी के आगे बैठ जाना है.
भाई दिन तो गुजर ही जाना है, आप ये करें या वैसे करें, अच्छा करें कि बुरा करें, आपका दिन गुजर जाएगा, वक्त नहीं रुकने वाला है। तो टीवी के सामने अगर बैठ कर हम रिमोट लेके बैठे रहें तो ऐसा ना हो कि वो रिमोट जो है वो हमारे हाथ से टीवी के हाथ में चला जाए, कि वो अब हमें कंट्रोल करने लगे। और यही होता है, इंसान लेज़ी होने लगता है। तो इन तमाम चीज़ों को भी हम देखें कि रूटीन रखें, रूटीन बच्चों का बनाएं, अपना बनाएं, कि उनके लिए ज़रूरी नहीं कि पूरा दिन उनको पढ़ाने में बैठा दें, लेकिन एक रूटीन वाइज उनके लिए एक एक्टिविटी रखें कि आज मुझे ये करना है, बच्चों को ये करना है, मुझे इस तरीके से करना है। देख लें, हम सबके साथ होता है ना, आज क्या पकेगा, इसलिए कि हमारा प्लान नहीं होता। लेकिन जिनका प्लान होता है वो उस रूटीन में जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी प्लान्ड हुई हुई है। उनको सोचने के लिए और टाइम वेस्ट करने के सोचने के लिए टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होते हैं, प्लान्ड है उनका पूरा दिन। अच्छा जी, और चौथा पॉइंट मैंने जो अपने ब्लॉग में लिखा वो ये था कि अपने लर्निंग को ज़रूर ज़िंदगी में रखें। हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखने में ज़रूर गुजारिए। इसमें ये हो सकता है कि आजकल कुछ सीखना मुश्किल नहीं है, आजकल कुछ पाना मुश्किल नहीं है, हमारे पास इंटरनेट मौजूद है और यूट्यूब नामी बला मौजूद है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस यूट्यूब को बेटर तरीके से पॉजिटिव वे में लें, कि आप उसको जस्ट एक के बाद एक वीडियो देखते रहें एंड द होल डे विल गो ऑफ। देखें, सोशल मीडिया का दौर है और विजुअल साइंसेस बहुत ज़्यादा उस पर हैं, उरूज पर हैं। तो अपने ज़िंदगी में लर्निंग लाएँ, ई लर्निंग लाएँ, डिजिटल इतने कोर्सेज मौजूद हैं ऑनलाइन। मैं तो कहती हूँ, मेरे ख्याल से मैं भी उस तरीके को, जो कि हमारी ज़हनी सलाहियत है, ज़हनी कैपेसिटी है, हम शायद उसका 0.5% भी यूज़ नहीं करते। तो उस चीज़ को जहन में रखें कि हमारा कैपेसिटी ब्रेन में जितनी है हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। एक बड़ी अच्छी मूवी मैंने देखी थी, उसका नाम था लूसी। अगर आपका कभी टाइम मिले और इत्तेफाक हो वो मूवी देखने का, तो आप जो है वो ज़रूर देखें। जैसे अलीना ने कहा कि हम सो मच वी कैन लर्न थ्रू डिजिटल, डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटल कोर्सेज है। तो आपको जो मैं मूवी रिकमेंड कर रही हूँ वो है लूसी, जिसमें लूसी द मूवी वॉज ऑल अबाउट कि हम कितना परसेंट अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं और कितना हमारे ब्रेन में कितनी सलाहियत है जो कि हम नहीं यूज़ करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस। तो ये सोचने की बातें हैं, ये सब समझने की बातें। अगर अल्लाह ने हमें, या अगर हमें जो भी आपका वट एवर हुए इज़ योर गॉड, अगर उसने आपको सोचने की सलाहियत दी है तो उसको सोचिए, इसके दिमाग को सही यूज़ में लाएँ। मेरे ख्याल से हम सब ने अपनी ज़िंदगी का बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, और जो कि हम वो प्रोडक्टिव रख सकते थे। मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत कुछ कर लेना चाहिए था, लेकिन इट्स नेवर लेट, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो हमें सोचना चाहिए, पुरुमीद रहना चाहिए ज़िंदगी के बारे में कि अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। हम कोई बड़ी एज नहीं हो गई, हम कोई बूढ़े नहीं हो रहे हैं, और ना हम बूढ़े लग रहे हैं लेकिन बहरहाल, एज इज़ नॉट नंबर, इट्स नथिंग। ये हमारी अपनी सलाहियत है कि हम कब तक अपने आप को विल पावर्ड रखें, और हमारी सीखने समझने की और पढ़ने की एज कोई नहीं होती। तो हमें हर दिन कुछ अपना जो है फ्रूटफुल रखना है। यूट्यूब के इतने लेसन्स मौजूद हैं, डिजिटल लेसन्स मौजूद हैं, कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर के मुतालिक, कुकिंग के मुतालिक, वट एवर इट कुड बी, एनी थिंग। लेकिन अपनी ज़िंदगी को पर्पसफुल रखें कि जब आप किसी पर्पस के तहत यूट्यूब देखेंगे तो आपको उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है वो आते रहेंगे उसी टॉपिक पे। जैसे आप, माशाल्लाह हम सब बहुत एक्सपर्ट हैं, जब हमें कोई ड्रामा देखना होता है तो हम उसकी एपिसोड्स को कितना ढूंढ ढूंढ के जो है निकाल लेते हैं कि इसका ये प्रिंट सही है या ये वो है। तो हमें हमारा पर्पस होता है कि हमारे जहन में कुछ है कि हमें ये ड्रामा सर्च करना है। इसी तरह जब हम कोई लर्निंग को, अपने टॉपिक को जहन में रखेंगे, इस तरीके से करें। और जो कि मैं लास्ट पॉइंट, मैंने ये सोचा कि होम स्कूलिंग करें अपने बच्चों की, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है बच्चों के साथ। आप खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, और ये बताइए बच्चों को कि हम कम खा के भी गुजारा कर सकते हैं, हम कम खा के भी जी रहे हैं। जैसे मैंने यूट्यूब पर कहा, अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशनल लेक्चर्स को बहुत सुने। मोटिवेशनल लेक्चर्स इसलिए ज़रूर सुने कि वो आजकल द वर्ल्ड इज़ वेरी क्रूअल दीज डेज, यू नो, इट्स अ वेरी रुथलेस वर्ल्ड। तो कोई आपके पास नहीं है आपको मोटिवेट करने के लिए, इसीलिए इतने सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स इज ऑल ओवर द यूट्यूब, जो कि मैं बहुत सुनती हूँ, एंड इट मोटिवेट्स मी अलॉट। एंड
तो अभी मैं एक रिसेंटली एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें भी यही सब बातें थी कि देखिए हम जो है वो ज़िंदगी तो चलती चली जा रही है, ज़िंदगी कौन सी ज़िंदगी रुकी है, हमारी आर्टिफिशियल ज़िंदगी रुकी है। आर्टिफिशियल ज़िंदगी से मुराद ये कि देखें नॉर्मल ज़िंदगी जो है, जैसे सूरज अपने टाइम पर निकल रहा है, ग़ुरूब भी अपने टाइम पर हो रहा है, हम सो भी रहे हैं, हम जाग भी रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, लेकिन हमारी आर्टिफिशियल ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई हैं, जो कि जिसका हमारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं था, मेरे ख्याल से वो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ब्रांड्स भी थे, ज़िंदगी तब भी चल रही थी, शॉपिंग सेंटर्स भी थे, ज़िंदगी तब भी चल रही थी, नहीं थे तब भी चल रही थी, थे तब भी चल रही थी, तो जो हमारी आर्टिफिशियल ज़िंदगी है ना वो तब भी चल रही थी। लाइक माई हस्बैंड यस्टरडे सेड मी कि डिड यू नोटिस वन थिंग, आई सेड व्हाट, ही सेड कि हमारा बेकार का खर्चा, फजूल खर्चियाँ हमने कम कर दी हैं, एंड आई सेड यस, इसलिए कि हम बेकार में ऑनलाइन ऑर्डर्स नहीं कर रहे हैं, बेकार में हम रेस्टोरेंट्स नहीं जा रहे हैं, हम हेल्दी फूड पे आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो आई थिंक बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है ज़िंदगी में, क्योंकि आप देखें जब आप रोज़ आप ख़बरों में ये चीज़ सुन रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, सिर्फ इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए, दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें अपने बच्चों को भी इस तमाम साइकोलॉजिकल फेयर से दूर रखना है, इसके लिए आपको स्ट्रांग होना है, अपनी अपने आप को स्ट्रांग रखें, इसलिए कि यू आर द पावर हाउस ऑफ द होल हाउस, यू आर द पावर हाउस, अगर पावर स्ट्रांग होगी तो तमाम आगे भी अच्छी पावर ट्रांसमिट होगी, लेकिन अगर पावर ही आप वीक होंगे तो आगे जो पावर जा रही है वो मेरे ख्याल से किसी काम के नहीं होगी। इसलिए यू आर द पावर हाउस, यू आर द वन एक्चुअली हु इज गोइंग टू होल्ड, आप हाउस होल्ड हैं पूरे घर का, इसलिए आपको स्ट्रांग होना है, आपको डिसाइड करना है कि आपके घर में क्या सही होना है और क्या नहीं सही होना। हमें सब मालूम है कि हम अपने घर में किस तरह से चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से हमारी कोताहियाँ हैं उनके ऊपर नज़र रखनी है, सेल्फ एवेल्यूएशन करनी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, रूटीन बनाना है, हमें पूरे दिन को कम से कम एक अच्छी बात, एक छोटी अच्छी बात हमें ज़रूर सीखनी है, लर्निंग करनी है, बच्चों के साथ बॉन्डिंग करनी है। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से यस रबिया यू आर सेइंग राइट, हमारी फजूल खर्चियाँ दूर हो गई हैं, इसलिए कि हम ये हम एक्चुअली अब हम सेल्फ एनालिसिस जो मैंने बात कही है वो मैंने यही कही है कि हम ये सब जैसे कासिम अली शाह साहब ने, उन्होंने कहा कि जब रेस्टोरेंट्स नहीं थे, जब बाहर खाना नहीं खाते थे, तब भी तो ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में इस कदर घुल मिल गईं कि हमें लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, पार्ट एंड पार्सल। मतलब अगर हम बाहर से खाना हफ्ते में एक दिन बाहर नहीं जाएंगे, ज़िंदगी तब भी चल सकती है। तो यही हम बता रहे हैं कि हम थोड़ा खा के भी जी सकते हैं, हम थोड़े में रह के भी जी सकते हैं, हम ऐसे भी जी सकते हैं कि हम पूरे वीक कोई शॉपिंग नहीं करें, हम ऐसे भी जी सकते हैं। सोचें कि यही असल ज़िंदगी थी और हम ज़िंदगियों की असल चीज़ों से बहुत बहुत दूर चले गए। तो मेरे ख्याल से ये जो टाइम अभी हमें मिला है ना, ये सेल्फ इवेल्यूएशन का है, अपने आप में, अपने इर्द गिर्द, अपने बच्चों के लिए सोचें, समझिए और अच्छी बातों को शेयर करें। इस वक्त सबको मोटिवेशन की ज़रूरत है, मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। और एक बात मैं एंड में ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए मेरे ख्याल से हम जो ये खबरें सुन रहे हैं और एवरी डे वी आर कमिंग अक्रॉस अ लॉट ऑफ न्यूज़, लाइक लॉट ऑफ कैजुअलिटीज़ हेयर देयर एवरीवेयर अराउंड द ग्लोब, एक ही समय है तो एक ही माहौल बना हुआ है और हर वक्त हम सुन रहे हैं। तो जब तक हम स्ट्रांग होते हैं या हम फ्रेश मूड में हैं या जब हम अच्छे तरीके से इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तब तक तो हम एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन वंस यू आर, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली व्हाट हैपेंस टू मी, और मे बी ये शायद नॉर्मल साइकोलॉजिकल जो है वो ह्यूमन बिहेवियर होगा कि वंस यू आर हार्ट ब्रोकन और वंस यू आर समटाइम्स वीक विल्ड और यू आर सिक और समथिंग लाइक दैट, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक कला सा बन जाता है, एक जैसे कला बन जाता है, वैक्यूम बन जाता है, और वो उसके अंदर वो जो तमाम नेगेटिव थॉट्स ऑल ओवर योर माइंड समवेयर इन योर ब्रेन, इट एक्चुअली साइफेंड इन और वो तमाम नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर चली जाते हैं। तो मेरा मशवरा इसमें ये रहता है कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स दैट इज़ अराउंड यू। वैसे तो आजकल जो पॉजिटिव पीपल हैं उनसे हमें दूर रहने को कहा जा रहा है, हु आर एक्चुअली द कोरोना पॉजिटिव केसेस, हमें उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से नेगेटिव पीपल से दूर, नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए और हमेशा उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो आपको एक अच्छी छोटी बात
अच्छी बात बता दे, अगर वो कोई बताने वाला नहीं हो, गो ऑन द यूट्यूब, गो फॉर द मोटिवेशनल लेक्चर्स, गो फॉर द रिलीजियस लेक्चर्स, तो देयर इज सो मच यू कैन डू. अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजारें, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारें. दिस एक्चुअली एपिडेमिक वेयर इट इज सेटल, इट कम्स अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर अस टू प्रैक्टिस एवरी डे. हम इबादत में ज़्यादा टाइम गुजार सकते हैं, हम अपने बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने में ज़्यादा काम, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम सेल्फ इवेल्यूएशन कर सकते हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप आपको मेरी चिट चैट्स अच्छी लगी होंगी, एंड मे बी आई जस्ट प्लान इट सम मोर टू कम लाइव, मे बी सम अदर डे, एंड विल टॉक टू यू अगेन. सो टिल देन, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड खुदा हाफिज़.